वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश प्रोज सेक्शन चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है मैडम राइड्स द बस बाय वल्लिक कानन। वल्ली अम्माई वॉज अ गर्ल हु वॉज नोन एज वल्ली इन शॉर्ट शी वॉज 8 ईयर ओल्ड। शी वॉन्टेड टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। शी हैड नो वन टू प्ले विथ हर ऑफ हर एज। So her favorite pastime was to stand in front of the door of her house. This always gave her new experiences. The bus that traveled from her street to the town fascinated her the most. Looking at the new passengers every time the bus gave an unending joy to Valli. वल्ली अम्माई एक गर्ल थी जिसका नेम वल्ली था, उसका निक नेम वल्ली था, जिसको लोग शॉर्ट में उसको वल्ली बुलाते थे। वो 8 साल की थी अभी और वो चाहती थी कि वो बहुत सारी नई नई चीज़ों को जाने, नई नई जगह ट्रैवल करे और बहुत ज़्यादा इस ग्रीनरी को या इस आउट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे। वो हमेशा अपने थॉट्स में रहती थी और वो बहुत सारी नई चीज़ों से अवेयर होना चाहती थी, नई चीज़ों को देखना चाहती थी और ट्रैवल करना चाहती थी। वो जो थी वल्ली, उसके पास कोई उसके एज का बच्चा नहीं था उसके अराउंड, जिसके साथ वो अपना टाइम पास कर सके, जिसके साथ वो खेल सके। और इसी वजह से जो उसका फेवरेट पास टाइम था वो था, वो अपने घर के बाहर जो डोर था वहाँ पे खड़े हो जाती थी, अपने घर के दरवाजे में मेन गेट में खड़ी हो जाती थी। और ये जो चीज़ थी उसको बहुत ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करती थी। मतलब उसके घर के सामने से जो स्ट्रीट थी, उस स्ट्रीट में जितनी भी बस गुजरती थी या उस बस के अंदर जितने भी नए नए पैसेंजर्स गुजरते थे, उसको देख के बहुत ज़्यादा वो जॉयफुल महसूस करती थी और बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करती थी। और उसका ये बेस्ट टाइम पास था, फेवरेट टाइम पास होता था। और वो देखती थी कि जो नए नए पैसेंजर्स हैं बस में या फिर जो बसेस गुजरती हैं विथ न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम, और वो उसको देख देख के अपना टाइम पास करती थी। और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा खुशी देता था, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करता था और ये अनइंडिंग जॉय था वल्ली के लिए। एवरी डे व्हेन वल्ली वॉच द बस शी वॉन्टेड टू ट्रैवल इन इट। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाई डे अंटिल इट बिकेम अ डिज़ायर। शी यूज टू स्टेयर एट द पीपल वाइल दे गॉट अप एंड डाउन द बस। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स वेंट ऑन द बस राइड एंड डिस्क्राइब्ड हर अबाउट द बस जर्नी शी बिकेम जेलस ऑफ हर एंड वुड शाउट। वल्ली डेली अपने घर के बाहर स्ट्रीट से जितनी भी बसेस गुजरती थी उसको देखती थी और ये उसका फेवरेट पास टाइम होता था। वो चाहती थी कि वो भी बस में ट्रैवल करे और इसकी जो विश थी बस में ट्रैवल करने की, वो डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही थी। मतलब वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा और उसके अंदर एक्साइटमेंट होती थी कि वो भी किसी दिन ट्रैवल करे बस में। और जो वल्ली थी उसके घर के सामने अगर कोई बस स्टॉप होती और वहाँ पे कोई पर्सन या पीपल्स उस बस के ऊपर सवार होते या फिर कुछ पीपल्स उस बस से उतरते तो उनको वो देखती रहती थी। अगर वल्ली का कोई दोस्त बस राइड करता और फिर वो आके अपनी जर्नी के बारे में वल्ली को डिस्क्राइब करता, बताता, तो वल्ली उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती और बहुत ज़्यादा उस पर चिल्लाती, क्योंकि उसके अंदर भी डिज़ायर थी ट्रैवल करने की जो पूरी नहीं हो पा रही थी। और अगर उसका कोई फ्रेंड आके उसको एक्सप्लेन करता, अपनी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करता, तो वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती और उसके ऊपर शाउट करती। For many days and months, Valli listened to the talks of her neighbors and people who went on the bus journey. She even asked them some questions since they were regular travelers. This way, she was able to get even the minute details about the bus journey. The fare was 30 paise for one way and the trip to the town took 45 minutes. She kept on planning and calculating the things for a long time.
बहुत दिनों और महीनों तक जो वल्ली थी वो अपने नाइबर्स की बातों को सुनती थी जो बस जर्नी करते थे, और वो कभी कभी उनसे क्वेश्चन भी पूछती थी, क्योंकि वो जो उसके नाइबर्स थे वो रेगुलर ट्रैवलर्स थे, वो डेली टाउन के लिए ट्रैवल करते थे, और इसी वजह से वो अपने नाइबर्स से इतना ज़्यादा क्वेश्चन करती थी, उनसे पूछती थी अबाउट द बस जर्नी, और इसी वजह से उसको हर मिनट की डिटेल मिल जाती थी अबाउट द बस जर्नी। और उसको बातों बातों में ये भी पता चला कि टाउन तक जाने के लिए 30 पैसे किराया लगेगा और वहाँ पहुँचने के लिए बस को 45 मिनट्स लगते हैं। और इन सब चीज़ों को जो वल्ली थी 8-year-old गर्ल वो हमेशा प्लानिंग करती रहती थी और कैलकुलेट करती रहती थी कि इतने पैसे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, इतना टाइम लगेगा। बहुत दिनों तक वो ऐसे ही प्लान करती रहती, अपने नाइबर्स जो रेगुलर ट्रैवलर थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करती, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर था टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, टू ट्रैवल अलॉट। वल्ली टुक द बस ऑन अ स्प्रिंग आफ्टरनून। देयर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर्स इन द बस। द बस वॉज न्यू विथ सॉफ्ट एंड लग्जरियस सीट्स। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट पर्सन एंड आस्क वल्ली टू गेट सीटेड राइट अप देयर इन फ्रंट। ही एड्रेस्ड वल्ली एज मैडम। शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द बस एंड वॉज अट्रैक्टेड बाई द आउटसाइड व्यू। शी कुड सी द कैनाल, द पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंस माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। अ काउ रनिंग टूवर्ड द बस मेड हर लाफ एंड क्लैप। द काउ वॉज नॉट मूविंग असाइड डिस्पाइट कंटिन्यूअस हॉकिंग बाई द ड्राइवर। वल्ली जब अपने घर के सामने से बहुत सारी बसों को गुजरते हुए देखती थी, उसमें बहुत सारे नए नए पैसेंजर्स को देखती थी, तो उसका भी मन करता था कि वो भी एक दिन ट्रैवल करे, और वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहती थी, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती थी, और वो इसी वजह से इतनी ज़्यादा क्यूरियस रहती थी बस में ट्रैवल करने के लिए और उसकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। इसी वजह से उसके नाइबर्स जो डेली ट्रैवलर थे बस के, उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती थी अबाउट देयर जर्नी, और उसने पहले से ये भी पता लगा के रखा था कि कितने पैसे लगते हैं टाउन तक पहुंचने के लिए और कितना टाइम लगता है। फिर एक दिन बहुत ज़्यादा प्लानिंग और कैलकुलेशन करने के बाद वो दिन आया जब वल्ली ने एक बस ली, एक बस पे ट्रैवल करने के लिए गई। स्प्रिंग आफ्टरनून था, वहाँ पे उस बस के अंदर सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर्स थे, और वो बस एकदम नई थी विद सॉफ्ट एंड लग्जरियस सीट। मतलब वो बस नई थी और उसकी सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और लग्जरियस थी, और जो कंडक्टर था वो बहुत ज़्यादा जॉली सॉर्ट ऑफ अ पर्सन था। जो कंडक्टर था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और चीयरफुल पर्सन था, खुश मिजाज था, और उसने वल्ली को कहा कि आप आगे की सीट में बैठ जाइए। उसने वल्ली को मैडम बुलाया, जिसको सुन के वल्ली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, रिस्पेक्टफुल फील हुआ, और जो वल्ली थी बस जर्नी उसकी स्टार्ट हो गई थी, और वो बाहर देखना स्टार्ट कर देती है, और जो बाहर का व्यू होता है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगता है, बहुत ज़्यादा उसको अच्छा और खूबसूरत लगता है। वल्ली बस से बाहर नदी, पाम ट्रीज, ग्रास लैंड और दूर के पहाड़ और नीला आसमान देख सकती थी, जिसमें बस के ट्रैवल के टाइम में, बस जर्नी के टाइम में वल्ली अपने आप को एकदम फ्री महसूस कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस कर रही थी, और एकदम वो जॉयफुल थी, और तभी इतना ज़्यादा मतलब वो अपने थॉट्स में खोई हुई थी, वो सारी आउटसाइड व्यूज में खोई हुई थी, क्योंकि सारा सीन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और जो आउटर व्यू था वो अपने आप के तरफ वल्ली को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तभी वल्ली का जो ड्रीम था वो टूटा, क्योंकि बस के सामने एक काऊ, एक गाय दौड़ती हुई आ गई, और जिसके वजह से वल्ली को बहुत ज़्यादा हंसी आई और उसने क्लैप भी किया, उसको बहुत ज़्यादा फनी लगा ये सीन। फिर उसके बाद जो काऊ थी वो मूव ही नहीं कर रही थी, वो हट ही नहीं रही थी बस के सामने से, क्योंकि और वो मूव ही नहीं कर रही थी जब कंडक्टर या बस ड्राइवर उसको बार बार भगा रहे थे, फिर भी वो जो काऊ थी वो बस के सामने से हट ही नहीं रही थी।
The bus reached the town after some time. Valli was seeing the bridal shop and big crowd. She stayed in the bus while the other passengers got down. The conductor asked her to get down, but she told him that she would go back in the same bus. She refused his offer of giving her a cold drink as a treat. वल्ली जो थी वो टाउन पहुंच गई थी थोड़ी देर बाद. वल्ली जो थी वो देख सकती थी बहुत ज़्यादा ब्राइट शॉप्स, अट्रैक्टिव शॉप्स थी उस टाउन में, और टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ देख सकती थी वो. और जो वल्ली थी वो बस से बाहर नहीं निकली. टाउन पहुंचने के बाद भी वो बस में ही बैठी रही, और जबकि सारे पैसेंजर्स जो बस में ट्रैवल कर रहे थे वो सब उतर गए थे, बस से बाहर चले गए थे. और जो बस का कंडक्टर था उसने वल्ली को कहा कि आप यहाँ से टाउन के अंदर नहीं जाएंगी. तो वल्ली ने कहा कि उसको उसी सेम बस से वापस जाना है. और जो कंडक्टर था वो बहुत ज़्यादा जॉली, हैप्पी और चीयरफुल पर्सन था, इसीलिए उसने वल्ली को कोल्ड ड्रिंक देने की सोची एज अ ट्रीट. लेकिन वल्ली ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि वो अपना जो फर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस था उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती थी, इन्जॉय करना चाहती थी. वो अपने थॉट्स में और बाहर के व्यू में खोए रहना चाहती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे वो, और वो अपना जो ये ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको अच्छे से इन्जॉय करे. वल्ली सॉ द सेम वंडरफुल साइट्स ऑन द रिटर्न जर्नी. शी वॉज इन बोर्ड एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ड द फर्स्ट टाइम. सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड. इट वॉज द सेम काउ दैट वॉज रनिंग टूवर्ड द बस वेन शी वॉज गोइंग टू द टाउन. शी वॉज फिल्ड विद सैडनेस ऑन सीइंग हर. द बस मूव्ड ऑन बट द थॉट्स ऑफ द डेड काउ हंटेड वल्ली. She no longer looked outside the window. When the bus reached her village at 3:40, she ran straight for home. Her mother did not get to know of her secret journey. थोड़ी देर बाद जो बस थी वो टाउन से वापस चली, और वल्ली जो थी वो वापस उस सीन को देख रही थी, वंडरफुल साइट्स देख रही थी रिटर्न जर्नी में. और सेम सीन्स रिपीट हो रहे थे, सेम व्यूज रिपीट हो रहे थे, कैनाल्स, माउंटेन्स और बहुत सारी चीज़ें वापस से सेम ही रिपीट हो रही थी. लेकिन जो वल्ली थी वो इन सब चीज़ों को देख के ज़रा सा भी बोर नहीं महसूस कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो ये सब चीज़ फिर से फर्स्ट टाइम ही देख रही है. और उसके अंदर सेम एक्साइटमेंट था जैसे फर्स्ट टाइम विव करने पे था. और तभी अचानक से जो वल्ली थी अपने थॉट्स में जो खोई हुई थी, आउटर व्यू में जो खोई हुई थी, और अपना जो फर्स्ट जर्नी थी बस ट्रैवल था उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी और इन्जॉय कर रही थी, और वो अपने ही दुनिया में थी. तभी उसका जो थॉट था या जो उसका ड्रीम था, डे ड्रीम था, वो तभी टूटा. उसने देखा कि जो एक यंग काऊ थी वो डेड हुई पड़ी है रोड पे, मतलब वो जो काऊ है वो मर गई है. और उसने देखा कि ये वही काऊ है जो आते टाइम बस के सामने खड़ी हुई थी. और इस वजह से जो वल्ली थी उस डेड काऊ को देखने के बाद वो सैडनेस से भर गई, उसको वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई. बस जो थी उस डेड काऊ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ी, मूव्ड हुई. लेकिन जो वल्ली थी वो उस डेड काऊ के ही थॉट्स में खोई हुई थी, और उस जो काऊ की डेथ थी जिसने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई. अब जो वल्ली थी वो बाहर नहीं देख रही थी विंडो से, लेकिन जो बस थी जब वो गाँव पहुँची 3:40 पे, मतलब 3:40 पे जब बस वल्ली के विलेज पहुंची, तो वल्ली जो थी बस से बाहर आई और फिर सीधे दौड़ के वो अपने घर चली गई. और ये जो उसकी सीक्रेट जर्नी थी, जब वो जाते टाइम इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, इतने अच्छे से अपनी जर्नी को एक्सप्लोर कर रही थी और सारे व्यू को अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर करती जा रही थी और उस सीन्स में खोई हुई थी, और फिर उसके बाद जो उसका जो इतना जॉयफुल एक्सपीरियंस था जाने के टाइम, और जब वो वापस आ रही थी सेम व्यूज़ थे, सेम चीज़ें थी, सेम रास्ता था, लेकिन
फिर भी वो वैसे ही एक्साइटमेंट के साथ सब चीज़ों को ट्रीट कर रही थी, जैसे लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम ही देख रही है इन सारी चीज़ों को। लेकिन फिर उसके बाद उसको उसकी जर्नी में एक मतलब बहुत ज़्यादा शॉक लगा, उसको बहुत सारे अपनी फर्स्ट जर्नी में नए नए एक्सपीरियंसेस मिले और बहुत सारा मतलब वर्ल्ड का जो ट्रूथ है उसको वो पता चला, और इसकी जो ये सीक्रेट जर्नी थी उसकी मदर को नहीं पता चल पाई। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।